नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रदीप होटलीवाला में। इंस्टेंट वाटर हीटर की सीरीज़ में तीन वीडियो में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जिसमें सबसे पहली वीडियो में हमने आपको बॉटम माउंट दिखाया था, देन आपको वॉल माउंट दिखाया, उसके बाद आपको शावर वाला गीज़र दिखाया। इस बार मैं आपको ऑनलाइन वाला दिखाऊँगा, जिसको आप सीधा टैप में पाइप लगा के फिट करना है। ये बहुत ही किफ़ायती रेट पर मिलता है आपको। इसका प्राइस सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं इसका प्राइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्स करके देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है, कैसे काम करता है। इसमें आपको तीन से चार तरह के कलर देखने को मिल जाते हैं, तो डिफरेंट कलर्स हैं, देख लेते हैं। अमूमन ख़राब नहीं होता है, बस इसको सूखा नहीं चलाना होता आपको। संपूर्ण स्वदेशी है, इंडियन मेड है। ये आपका वारंटी कार्ड है, ये आपके स्क्रूज हैं, और ये आपका हैंगिंग के लिए क्लिप है। ये आपका मेन यूनिट है, और इसके साथ में एक पाइप आता है। तो चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल करते हैं। बस इस गीज़र में आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको एक्चुअली उन बाकी गीज़र्स में क्या प्रोटेक्शन है, उसमें पीछे से पानी नहीं आएगा तो ऑन नहीं होगा। इसमें क्या है कि आप अगर इसको सीधा अभी प्लग में लगा देंगे तो ऑन हो जाएगा, पानी की प्रोटेक्शन नहीं होती है। तो बस इसमें थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि सूखा नहीं चलाना है, ठीक है। चलिए, वायर है अराउंड 1 मीटर के आसपास है, काफ़ी हैवी वायर दी हुई है, और यहाँ से आपका आउटपुट आएगा। ये आपका इनलेट है, ठीक है। इसको आप दीवार पे हैंग करेंगे, देन इस तरह से ये आपका फिट हो जाएगा दीवार में। चलिए प्रयोगशाला में चलते हैं, देखते हैं इसको यूज़ करके। ठीक है, ये लग गया, देन इसको हैंग कर लेते हैं। हैंग करने से पहले इसका पाइप लगा लेते हैं। ये इनपुट पाइप है इसका, ये सबसे इजी है, इसको आप खुद ही लगा सकते हैं, इसमें प्लम्बर की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ठीक है। इसको टांग दीजिए। ओके, अब एक्चुअली मेरा ना ये सेंसर टैप लगा हुआ है, जो कि ऐसे चलता है, इधर से परमानेंट चल जाएगा, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। हम लोग इसके हैबिचुअल हैं, तो पहले मैं देख लेता हूँ। इसको हटाने के लिए मेरे पास एक की है, टैप को बंद कर लेते हैं। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको एक बार चार्ज करो, 6 महीने इसकी बैटरी चलती है, और वाटर प्रूफ है ये। ओके, अभी इसको हटा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको प्लग इन कर दिया है और इसको तार लगा दिया, तो अभी हम धीरे से इसको खोलेंगे। याद रखिए, पहले हमेशा पानी खोलना है, क्योंकि इसके अंदर लो प्रेशर की प्रोटेक्शन नहीं है, यानी कि पानी नहीं है तब भी ऑन होगा। हमेशा पहले पानी खोलना है, प्लग इन करना है। ये आपका गर्म पानी आना शुरू हो गया। ये आपका गर्म पानी आना अब शुरू हो गया है, तो आप देख सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स आपको गर्म पानी मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ISI मार्क एलिमेंट लगा होता है इसमें, तो आप कह सकते हैं संपूर्ण स्वदेशी ब्रांड है ये।
अभी आपका ये चल रहा है ऑन है क्योंकि पानी रेगुलर आ रहा है। अब जैसे ही पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा, मान लीजिए थोड़ा सा पानी का प्रेशर कम करते हैं, पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो अपने आप ऑटो कट कर जाएगा ये। इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो कि ज़्यादा पानी गर्म होने पर इसको ऑटो कट कर देता है। तो अभी जैसे ही पानी का टेम्परेचर एक लेवल से ऊपर जाएगा तो ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगा। पास ला के दिखा देता हूँ आपको। अभी एक लाइट जल रही है, ये देखिए अपने आप ऑटो कट हो गया है क्योंकि पानी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो चुका है। जो इससे पहले गीज़र दिखाए थे उसमें आपकी प्रोडक्शन थी कि पीछे से अगर पानी नहीं आएगा तो ऑन नहीं होगा। इसमें प्रोडक्शन क्या है कि जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो अपने आप ऑटो कट कर देगा। अभी मैं प्लग आउट करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं आएगा लाइट में, लाइट वैसे की वैसी है। अब थोड़ी देर बाद चलाऊँगा तो लाइट आप देखेंगे कि एकदम से स्टार्टिंग लोड लेगा ये। अभी भी पानी इसके अंदर ज़्यादा गर्म है। अब मैं पानी को थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा स्पीड से बढ़ाता हूँ तो देखिए अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप स्टार्ट हो गया है क्योंकि पानी ठंडा आना शुरू हुआ तो अपने आप स्टार्ट हो गया है। आई होप दोस्तों एक किफ़ायती प्रोडक्ट है, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिलता है। होलसेल प्राइस आप हमसे ले सकते हैं, रिटेल प्राइस भी ले सकते हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है, आप आसानी से इसको घर पर ही फिट कर सकते हैं, प्लम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ आप हमारा ये वाला प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी किफ़ायती है। नीचे सिर्फ यूँ हाथ रखना है, इसमें डेटोल डालना है, डेटोल या फिर लाइफबॉय कुछ भी डाल सकते हैं और इस तरह से आपका फोम बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपना इजीली हैंड वॉश कर सकते हैं बिना टच के, पानी काफ़ी गर्म है। सो फाइनली दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, गुड बाय।